ठीक है सर, हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप प्लीज ध्यान से समझो द डिफरेंस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप इसको देखें, अगर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, आप जरा प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। आप सब बच्चे, मैंने आपसे कहा है हमेशा, अगर वर्ड डिफरेंस आएगा तो आपको ये नहीं मालूम है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। लेकिन अगर हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि हम खुद कंसीडर कर सकें, लेट लार्जर नंबर, ठीक एक्स है, नंबर इज एक्स एंड स्मॉलर नंबर इज वाई वाई, तब आप केस ले सकते हो कि आपको डिफरेंस दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई इज 26। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या ऐसा है, क्या उसमें स्कोप है कि हम किसी एक को लार्जर और स्मॉलर ले सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार एक क्वेश्चन लिया था द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स, तो वहां हम ये नहीं कह सकते एनी इज ओल्डर एंड बीजू इज यंगर या एनी इज यंगर एंड बीजू इज ओल्डर, वहां हम नहीं ले सकते। यहाँ नंबर से हम एक नंबर को बड़ा और एक नंबर को छोटा कंसिडर कर सकते हैं, बट टू पर्सन को अपनी तरफ से ओल्डर और यंगर नहीं ले सकते थे। ध्यान रहेगा बेटे इस चीज का, ठीक सर, एक्स हो जाएगा 3 वाई। है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास केस टू दिया हुआ है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो ऑब्वियसली बात है लार्जर नंबर ही 3 टाइम्स द अदर होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 3 वाई। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, पुट इन वन सिंपल, तो आपके पास क्या आएगा 3y - 2y इज इक्वल टू 26। 3y - y नॉट 2y, तो 3y - y इज इक्वल टू 26, तो कितना आ y गया इज इक्वल बेटे, टू 13। 2y इज इक्वल टू 26 एंड सिंपली y इज इक्वल टू 13। y इज इक्वल टू 13 को अगर हम यहाँ रख दें, x इज 3 टाइम्स ऑफ y, तो आपके पास x आ जाएगा, 39 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3 × 13। यस, ये हमारे पास है, ठीक है बेटे, जी सर। भाई सबको समझ में आ रहा है जो हमारी बटालियन खामोश बैठी है। यस सर। सर आ रहा है। यस सर। यस सर। कुछ बच्चे